हेलो दोस्तों, आरएसपी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए तीन रंगों वाली तिरंगा मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, पूजा या फिर ऐसे भी इसको जब मन चाहे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, ये बहुत कम टाइम में बनकर तैयार भी हो जाती है। और इसे बनाने में सबसे अच्छी बात तो ये है कि न मावा, न चाशनी, न कंडेंस मिल्क, इजिली झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है ये मिठाई। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं तीन रंगों वाली तिरंगा मिठाई। तो दोस्तों, तिरंगा मिठाई बनाने के लिए लेंगे हम एक कढ़ाई और गैस को ऑन कर लेंगे। गैस को ऑन करने के बाद कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पानी। पानी इसलिए डालेंगे कि डायरेक्ट दूध डालेंगे तो दूध तली में चिपक सकता है, इसलिए हमें सबसे पहले 1 टेबल स्पून पानी जरूर डालना है। फिर मैंने लिया है 1/2 कप दूध। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप पहले से उबाला हुआ दूध भी ले सकते हैं और डायरेक्ट कच्चा दूध भी इसको लेकर उबाल सकते हैं। तो देखिए, दूध में उबाल आ जाने के बाद गैस को स्लो कर देंगे। हम डालेंगे 1/3 कप चीनी, आप चाहे तो चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर मैंने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून घी, यानी कि 1/4 कप घी डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे। देखिए, अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें इलायची का फ्लेवर भी ले सकते हैं या फिर और कोई जो आपको पसंद हो फ्लेवर, उसे आप डाल सकते हैं। फिर इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फिर हम लेंगे 1 कप दूध पाउडर और इसे धीरे धीरे डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो ही रखना है। तेज आंच पे दूध पाउडर डालने से गुठलियां पड़ जाती हैं, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ऐसे ही इसे चलाते हुए लगभग 2 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको दूध पाउडर अमूल का नहीं लेना है, वो बच्चों के लिए होता है। बाकी आप कोई भी कंपनी का दूध पाउडर ले सकते हैं। इजिली आपको किसी भी शॉप पे लोकल दूध पाउडर वाला पैकेट मिल जाएगा, उससे बहुत अच्छी मिठाई बनेगी। किसी भी ब्रांड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, बातों ही बातों में परफेक्ट मावा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए, इस स्टेज पर गैस को करेंगे बंद। और दोस्तों, गैस बंद करने के बाद ऐसे ही इसे हम कुछ सेकेंड तक चलाते हुए हल्का ठंडा कर लेंगे। ध्यान रहे, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। थोड़ा सा मिश्रण में से उठाएंगे और इसे गोली बनाएंगे। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट गोली बन रही है, यानी मिठाई बनने के लिए बिल्कुल मिश्रण तैयार हो चुका है। तो चलिए, दूसरे बर्तन में हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। और फिर इसके हम 3 पार्ट करेंगे। 1 पार्ट को हम सादा ही छोड़ देंगे और 1 में मिलाएंगे थोड़ा सा केसरिया रंग और थोड़ा सा दूसरे पार्ट में भी हरा रंग, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, पहले हम सफेद वाला पार्ट अलग कर लेते हैं, नहीं तो इसमें भी कलर मिल जाएगा। और फिर हम हरे रंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल अच्छे से हरा रंग हमने मिक्स कर लिया है। तो चलिए, इसे अब साइड में रखते हैं और केसरिया कलर को भी हम अच्छे से मिक्स कर तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों, जब भी आपको मीठा खाने का मन हो, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से बन जाती है ये मिठाई। तो देखिए, हमने ऑरेंज फूड कलर भी मिक्स कर लिया है। तो चलिए, अब फाइनली हम बना लेते हैं यम्मी टेस्टी तिरंगा मिठाई। तो हम अब 1 लेंगे टी स्पून और मिश्रण में से छोटा छोटा पोषण निकालेंगे 1 साइज का, और तीनों में से 3 कलर का छोटा छोटा बॉल्स तैयार करेंगे। देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार का बनाएंगे हम इन दोनों का भी। वैसे आप चाहें तो अपने मन पसंद कोई भी डिजाइन बना सकते हैं 3 रंगों वाला। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही हम सारे बॉल्स बना लेंगे और 3-3 करके 3 कलर का 1 में चिपकाते जाएंगे।
और इसे ऐसे प्रेस करके एक पेड़ा नुमा तैयार कर लेंगे। देखिए लग रहा है ना टेम्प्टिंग। तो आइए दोस्तों एक और मिठाई हम ऐसे ही आपको बनाकर दिखा देते हैं। देखिए इसे बनाना कितना आसान है। तो आप इस मिठाई को ट्राई कर रहे हैं ना, जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है ये मिठाई। तो चलिए ऐसे ही हम सारे तिरंगा मिठाई को बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने सारे तिरंगा मिठाई को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ डिजाइन दे देते हैं। आप एक चम्मच ले लीजिएगा और ऐसे देखिए जैसे मैंने इसे 3 बार प्रेस करते हुए इस पे डिजाइन बनाया है, ऐसे ही आप भी 3 तरफ से ऐसे ही प्रेस करके डिजाइन बनाकर सारे मिठाई को तैयार कर लीजिएगा। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए सारे पेड़े पर ऐसे ही डिजाइन हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो चक्कू से भी प्लस का डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर अपने मन पसंद जो भी आप चाहें डिजाइन दे सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों हमारा ये स्पेशल तिरंगा मिठाई बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे जब भी मीठा खाने का मन हो बनाकर इजिली तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।